फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और नया जॉब नोटिफिकेशन, जिसमें अगर आपने ट्वेल्थ किया है या फिर ग्रेजुएशन किया है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारी जॉब्स की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब देखिए, संस्था का नाम है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्स, यानी कि जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CISF, जिसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अब देखिए, यहाँ पर जो ये रिक्रूटमेंट है ये केवल मेल कैंडिडेट के लिए है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अपडेट्स की बात करें तो 29/1/2022 यानी 29 जनवरी से ही फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया और इसकी लास्ट डेट 4 मार्च 2022 शाम 5 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यानी कि अभी काफी देर है, लेकिन मैं यही आपसे बोलूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दें अगर आप भरना चाहते हैं, क्योंकि बाद में लाइन बिजी हो जाती है और कई लोगों का फॉर्म नहीं भर पाता है। अब देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर पे स्केल लेवल 3 रखा गया है, 21,700 से 69,100 तक का पे स्केल आपको दिया जाएगा, यानी कि काफी बढ़िया सैलरी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। अब ये तो आपको पता ही होगा कि डिफेंस से रिलेटेड ये पूरा है और एप्लीकेशन यहाँ पर जो है ऑनलाइन मोड से भरे जाएंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताई गई है। अगर आप यहाँ पर जो देखे एडमिट कार्ड वगैरह हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं, जो कि आपको नीचे भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब देखिए, पे स्केल जैसे कि आपको बताया गया है लेवल 3 है और यहाँ पर 21,700 से 69,100 का पे स्केल रहेगा। इंडियन सिटीजन ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर स्टेट वाइज वैकेंसी दी हुई है कि कहाँ कितनी वैकेंसी है, सारी यहाँ पर आपको दी हुई है। आप अपने स्टेट से चूज कर सकते हैं कि कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं और वहाँ से आप फिल कर सकते हैं, या फिर जिस स्टेट से आप चाहें वहाँ पर आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्म आपको भरना है इस वेबसाइट पर, CISF रिक्रूटमेंट की जो वेबसाइट है, इस पर जाकर आपको फॉर्म फिल करना है। नेक्स्ट अगर देखेंगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपने ट्वेल्थ किया हुआ है, ट्वेल्थ क्लास आप पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अब देखिए, यहाँ पर जो आपको आपने ट्वेल्थ किया हुआ होना चाहिए विथ साइंस सब्जेक्ट, यानी कि साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कि इसमें कई लोग कंफ्यूज होंगे कि मैथ वाले भर सकते हैं या फिर साइंस वाले भर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं बता दूँ, साइंस बैकग्राउंड वो होता है जिसमें PCM आता है और PCB भी आता है, बायोलॉजी भी आता है, तो PCB वाले भी भर सकते हैं और PCM वाले भी भर सकते हैं, दोनों भर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो आर्ट साइड वाले हैं या जो कॉमर्स वाले हैं, वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि साइंस सब्जेक्ट वाले भर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 23 दी गई है, ये आपको यहाँ पर दिया गया है और रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा अगर आप छोटे हैं तो, रिलैक्सेशन मतलब आपकी एज बढ़ गई है तो रिलैक्सेशन भी आपको दिया जा रहा है, जिस तरीके से सेंट्रल में मिलता है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर रिलैक्सेशन का भी प्रावधान है। फिजिकल स्टैंडर्ड भी बताया गया है कि आपका जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, चेस्ट 80 to 85 होना चाहिए, मैक्सिमम एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर, वो सब आपको पता होगा अगर आप तैयारी करते हैं तो। और इस तरीके से यहाँ पर रिलैक्सेशन भी बताया गया है कि किस कैटेगरी को, कहाँ के लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलेगा रिलैक्सेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। वेट कितना होना चाहिए, किसके प्रोपोर्शन में, वो भी बताया गया। मेडिकल स्टैंडर्ड, टैटू भी बताया गया है, साइज, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना है। मैं आपको टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नीचे थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे तो और भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि हाउ टू अप्लाई। इस वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है। जैसे आप भरते हैं, फॉर्म की फ़ीस की बात करें तो फीस आपको केवल 100 रुपये यहाँ पर देनी है, 100 रुपये आपको यहाँ पर लगेगा और बाकी जो SC ST कैटेगरी और जो एक्स सर्विस मैन है उनको यहाँ पर फीस में छूट मिल जाएगी, उनको कोई भी फीस नहीं लगेगी। तो मेन यहाँ पर यह है कि 29 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हुआ है और 29 जैन से स्टार्ट हुआ है और ये जाएगा आपका 4 मार्च तक, तो आपको भरना है तो आप भर सकते हैं। ट्वेल्थ क्लास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट से। और अब यहाँ पर कैसे टेस्ट होगा वो भी बता दूँ। टेस्ट यहाँ पर होगा पहले फिजिकल टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, और फिजिकल एफिशिएंसी में यहाँ पर आपको दौड़ाया जाएगा, जैसे कि आप देखें 5 किलोमीटर आपको दौड़ना है 24 मिनट में, 5 किलोमीटर आपको रेस करनी है, ये एक पहला होगा। और दूसरा यहाँ पर आपका जो होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जो आपका स्टैंडर्ड आपने भरा है 170, ये है आपका कि नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक होंगी वहाँ पे।
ठीक है, ये होने के बाद अगर आप फिट पाए जाते हैं देन आपका होगा रिटन टेस्ट, जैसे कि OMR सीट बेस्ड होता है जिसमें आप जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के आएंगे, नॉलेज की जनरल नॉलेज के आएंगे, मैथ के आएंगे और इंग्लिश के आएंगे और हिंदी के भी आएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, शायद 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, 25-25 नंबर के भी रहेंगे, 25-25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर का ही रहेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर है और इसमें अगर पास होते हैं देन आगे भी दिया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हैं और ये अच्छा फॉर्म है। मुझे लगता है जो 12th क्लास वाले साइंस सब्जेक्ट वाले डिफेंस में जाना चाहते हैं उनके लिए बढ़िया फॉर्म है, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अपडेट है और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, यहाँ पर डेली आपको अच्छे अच्छे जो जॉब्स आते हैं वो मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, जो प्राइवेट में भी हो सकते हैं वो भी मैं यहाँ पर अपडेट करता रहूँगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।